सो फाइनली गाइज, अभी जो है गाड़ी के अंदर सारा लगेज वगैरह रख लिए हैं और अभी हैं घर के बाहर। बस निकल रहे हैं यहाँ से विद इन अ 5 मिनट्स। अपने डिसाइडेड टाइम से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लेट हैं और कज़न सारे वेट कर रहे हैं अभी भी। और क्या ही कर सकते हैं भाई, अब लेट हो गया तो लेट हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो चलते हैं सबसे पहले बनाना और खजूर शेक पीते हैं एंड देन निकलते हैं। अब लेट हो गया तो करें ही क्या। सी यू सून। वाले के कर्म से सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली हो रही है एंड आई एम ट्रेवलिंग विथ माई फिटनेस ऑलवेज। किसी को पता होगा ये गाड़ी यहाँ से आसाम या मेघालय साइड जा रही है? पता चलेगा ना जब वीडियो अपलोड होगी। Purchase your tracks today. तो गाइज अभी यहाँ पे रुके हुए थे टी ब्रेक के लिए। अभी यहाँ से औरंगाबाद है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, तो ये इधर टी ब्रेक लिए हैं। अभी भाई धूल इधर बहुत ज़्यादा उड़ रही है क्योंकि ओपन ग्राउंड है। सबसे बड़ी समस्या है। सो गाइस अभी पटना पहुंच चुके हैं, तो अभी लॉकडाउन यहाँ पे 7 बजे लग जाता है, तो अभी 7 बजने को है, तो सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ अपना खाना वाना खा लें ताकि जो है फिर लॉकडाउन लग जाए और खाना ना मिले ऐसा हो, तो यहाँ से निकल जाएंगे सीधा अभी सिलीगुड़ी के लिए। तो अभी तो सब जा चुके हैं, मैं और विवेक भाई बचे हैं, बस यहाँ से अब जा रहे हैं अपना खाना वगैरह खा के फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो गाइस अभी एकदम दबा करके डिनर उनर वगैरह एकदम प्रॉपरली हो गया और मज़ा आ गई। अब निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली सिलीगुड़ी के लिए और टाइम भी हो रहा है 9:30 हो रहा है, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है कैसे है। एक बार आया ही हूँ इस रूट पे जब सिक्किम की राइड किया था नाथुला पास की, वैसा ही अभी तक तो रूट वैसा ही है। सिलीगुड़ी से टोटल डिफरेंट मिलेगा क्योंकि उधर से डाइवर्ट ले लेंगे आसाम गुवाहाटी के लिए, तो वहाँ से रूट नया रहेगा। बाकी देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ने डिनर वगैरह किया है तो क्वालिटी अच्छी थी, तो आप भी रुक सकते हो होटल अरण्या। सेतु कुछ करके इसका नाम है, नीचे गंगा जी ही है। यहाँ से डुबकी मारोगे निकलोगे सीधा संगम प्रयागराज। जलो मत लोन पे है। Purchase your tracks today.
अभी रात के बज रहे हैं 2 और अभी यहाँ से पूर्णिया है ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर, और डायरेक्ट आज मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो है मॉर्निंग तक सिलीगुड़ी पहुँच जाए, या माइंड भी थोड़ा सा डिले कर लेंगे क्योंकि आज होटल चेक इन करेंगे तो कल ही चेकआउट करेंगे एंड देन सिलीगुड़ी से डायरेक्ट जो है शिलोंग डायरेक्ट रहेगा, गुवाहाटी में स्टे नहीं रहेगा, ऐसा कुछ अभी आइटिनरी जो है अपडेट किए हैं, बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 4:15 और गाड़ी ड्राइव स्टार्ट किए थे ऑफिशियली प्रयागराज से करीब 12 बजे और अभी तक कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी से पहले तो कोई हॉल्ट नहीं, जस्ट यहाँ रुके थे पेट्रोल टंकी पे टॉयलेट करने के लिए, अब यहाँ से निकल रहे हैं अगेन कंटिन्यू करते हैं ड्राइव को, बस 2 घंटे में थोड़ा रोशनी हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगी चीज़ें। सो गाइज अभी सिलीगुड़ी में है, टाइम हो रहा है अभी करीब रात के 8:30 हो रहे हैं, अभी आए थे इधर, कुछ खाया नहीं था मॉर्निंग से, तो अभी डोमिनोज आया था तो सोचा कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया जाए। तो एक्चुअली में सीन ऐसा था कि हम लोग सिलीगुड़ी जो है 12 बजे ऑलमोस्ट आ गए थे यहाँ पे, प्लान तो ये था कि और थोड़ा सा आगे जाएंगे कंटिन्यूस, बट ड्राइविंग काफ़ी लॉन्ग हो गई थी तो टायर्डनेस भी और काफ़ी मतलब कि नींद वगैरह भी आ रही थी, तो ये डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी में आज स्टे करते हैं। तो अभी कल मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट शिलोंग के लिए, तो मेन जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि अभी इलाहाबाद से सिलीगुड़ी तक का कुछ खास आप लोग को देखने को मिला नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इस रूट पे एक बार मैं ट्रेवल कर चुका हूँ। तो मेन जर्नी यहाँ से सिलीगुड़ी से स्टार्ट होगी जो हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ से कल के लिए निकलेंगे और बाकी अभी जिस होटल में रुके हैं सिलीगुड़ी में काफ़ी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी, पार्किंग वगैरह सब है, तो अभी जाके आपको होटल का एक बाहर से और अंदर से ओवरव्यू दे देंगे, क्या है होटल का मतलब कैसा है, रुकने लायक है नहीं है, ये सारी चीज़ भी अभी क्लियर दे देंगे आपको। तो अभी यहीं पे सिलीगुड़ी में कोई क्रॉसिंग है ये, यहीं पे वेट कर रहे हैं गाड़ी में, इधर बगल में डोमिनोज है साथ ही में, तो वहाँ पे ऑर्डर कर चुके हैं 10-15 मिनट का वेट करके, बस पिकअप करते हैं वहाँ से और फिर यहीं गाड़ी में खा करके निकलते हैं। पार्किंग का इशू रहता है थोड़ा सा इधर, और अभी तक इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट नहीं किया, सो इस व्लॉग को यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी लेट बट ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द व्लॉग। सो गाइस अभी होटल में आ चुके हैं और होटल का आउटलुक वगैरह कल मॉर्निंग दिखाएंगे बाहर। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं शिलोंग के लिए, तो अभी निकलते हैं और मिलते हैं सीधा अब आप लोगों को गाड़ी में, होटल रूम आप लोग देख लो
ठीक ठीक है, थोड़ा कुछ इनकन्वीनियंस एक दो आया था, सर्विस और इंटीरियर वगैरह और पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस एक दो दिक्कत आई थी लाइक एयर कंडीशन से वाटर लीक हो रहा था और इनके वॉशरूम की भी वाटर होल लीक था, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही थी छोटी मोटी, बाकी सब ओवरऑल अच्छा था। और अब मॉर्निंग को निकल रहे हैं भाई, कल इतना थक गए थे कि कुछ खास ब्लॉग नहीं कर पाए आने के बाद, और कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग को एंजॉय करा पाएँ, तो चलते हैं। पहले रूम का क्या हाल चाल है ये देखिए, यहाँ पे सब चार चार घंटे से मेकअप करके बैठे हुए हैं और कोई रेडी होने को तैयार नहीं है चलने को। मैं दो घंटे से वेट कर रहा हूँ और बाहर का लुक देखिए, और एक्सयूवी वो खड़ी है अपनी। तो गाइस ये होटल था जहाँ स्टे किए थे, ठीक ठाक था, और अभी निकल रहे हैं सीधा शिलोंग के लिए। कहाँ से आ रहे हैं पहले उसको बताओ ना कि तुमको हिंदी आती है खाली? ये भी लोग को आती है ना, हिंदी आती है लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप की। दुनिया का सबसे बेहतरीन purchase your tracks today. अभी फाइनली गुवाहाटी आ चुके हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। पहले प्लान था शिलोंग जाएंगे डायरेक्ट, बट शिलोंग का प्लान डायरेक्ट ड्रॉप कर दिए इसलिए क्योंकि कल मॉर्निंग निकलेंगे तो उधर के व्यूज़ वगैरह अच्छे देखने को मिलेंगे। तो गाइज अभी गुवाहाटी आसाम के अंदर आ चुके हैं और भाई पहले जो अपना होटल बुक किए थे भाई एक नंबर का वर्स्ट होटल की कंडीशन थी, मतलब यार एक तरीके से 420 टाइप होटल था उनका, जो भी मतलब एम्बियंस वगैरह जो भी होटल का कंडीशन था वो फोटो से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, और एमिनिटीज़ में उन्होंने पार्किंग मेंशन कर रखी थी, एयर कंडीशन मेंशन कर रखा था, वो सब कुछ नहीं था उनके पास। तो फिर ओयो से मैंने फिर से कांटेक्ट किया, उन्होंने रीअसाइन करवाया होटल को। तो अभी होटल में रुके हैं निहारिका करके कुछ नाम है, अच्छा होटल है, काफ़ी बेहतरीन है इस लोकेशन पर। और अभी चलते हैं, आप लोगों को होटल का ओवरव्यू देते हैं और इस व्लॉग को एंड कर देंगे। सो फाइनली इस व्लॉग में आप लोगों ने देखा प्रयागराज टू गुवाहाटी आसाम तक की जर्नी, और अभी आए हैं यहाँ पे कुछ फूड वगैरह पैक करवाने इधर, मतलब वेज भाई नवरात का दिन चल रहा है तो वेज फूड ही प्रीफर कर रहे हैं, तो दो जगह से अलग अलग टाइप क्योंकि थोड़ा ट्रेडिशनल पर जा रहे हैं, तो अभी फूड वगैरह पैक करते हैं और कल निकलेंगे यहाँ से मॉर्निंग में गुवाहाटी से शिलोंग मेघालय के लिए। और सुना हूँ कि शिलोंग में कोविड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो वो आपको एपिसोड 2 में देखने को मिलेगा। बस अभी डिनर वगैरह ले आकर के खा भी चुके हैं और अभी अपने होटल में अभी वक्त हो रहा है सोने का, तो सोने से पहले सोचा इस व्लॉग को एंड कर दें। और तो सबसे पहले मैं आप लोग को मिलाता हूँ, ये हमारे मौसी के लड़के हैं विशाल नाम है, ये देखिए ऐसे काम करता है भाई।
विवेक भाई। एंड गाइस अब जा रहा हूँ सोने, 12:30 बज रहे हैं रात के, और अब मिलेंगे सीधा कल मॉर्निंग में और कंटिन्यू करेंगे अपनी ड्राइव को गुवाहाटी से शिलोंग के लिए, और शिलोंग से आगे कहाँ जाने का प्लान है वो आपको कल ही बताएंगे। सो होप करता हूँ आप लोग को ये वाला भी ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा, और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ निखिल वर्मा, बाय बाय।